शहर में जहां नए नए उड़ान पुल बनाए जा रहे हैं, वही कुछ पुराने उड़ान पुल तोड़कर इतिहास का भाग भी बनाए जा रहे हैं। उसी का एक जीता जागता उदाहरण है गणेश पुल, यानी कि गणेश टेकड़ी उड़ान पुल। चलिए देखते हैं उसकी ये खास खबर। G20 सौंदर्यकरण के बाद नागपुर में जगह जगह सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उसी क्रम में आज महानगर के जहाँ पर रेलवे के द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, चलिए चलकर जानते हैं एक राहगीर से क्या काम चल रहा है और कितने दिनों में यह पुल फिर से शुरू हो जाएगा। सर आप आपका नाम बताइए पहले, आप कहाँ से हैं और आप इसमें क्या काम कर रहे हैं? मेरा नाम रेलवे का काम कर रहा हूँ, गाड़ियाँ जाती है ना, तो ये आपको करना होगा। ऑडिशन बनने के बाद जो पोस्ट पे है एप्लीकेशन के लिए बनाया गया था, चालू रहेगा उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आना जाना तो चालू ना। कल की अभी 8-10 दिन के अंदर ही कम्प्लीट हो जाएगा। तो 8-10 दिन तक अभी ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक जो अक्सर बंद करके रखा है वो बंद रहेगा? नहीं नहीं अभी ट्रैफिक कौन से चालू हो जाएगा, पहले कल से चालू हो जाए, कल से चालू हो जाए और बाकी पूरा बंद होने का समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा अलग ही स्पीड से चलते हैं, कभी सीमित समय आपके हिसाब से 1 महीना 2 महीना पता नहीं।